कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है जिसका कई काफ़ी लोग समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और विपक्षी दलों में एक तरह से उनको लेकर बड़ी खलबली मची और इस टाइम देश में सबसे टॉलेस्ट लीडर के रूप में उभरे हैं और हमारे साथ दिल्ली के सबसे टॉलेस्ट लीडर शीला दीक्षित जी हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 15 साल और जिनको लोग याद करते हैं उनके डेवलपमेंट काम के लिए। आइए उनसे पूछते हैं कि राहुल जी की इस जीत का क्या मायने रखती है कांग्रेस के लिए। देखिए, बहुत सारी लोग हिंदुस्तान में शक और शुभा से देखते थे राहुल जी को, लेकिन अब फाइनली इस्टेब्लिश हो गया कि किस प्रकार के लीडर हैं और किस प्रकार के उनके गुण हैं लीडरशिप के। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको लंबी आयु दे और वो और आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से हम 3 स्टेट्स में जीते हैं वो अपने आप में एक अद्भुत सा किस्सा है, क्योंकि बीजेपी वाले तो समझ रहे थे कि वही सब जीतेंगे, लेकिन जीत गए हम और वो राहुल जी की मेहनत और राहुल जी ने जिस तरह से पार्टी को गाइड करा उसका नतीजा है। मैं मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उनको कितना बड़ा झटका आप देखती हैं? अब वो तो उनसे पूछिएगा कि कितना झटका लगा है, लेकिन हम लोगों को तो ये खुशी है कि कांग्रेस वहाँ आई है और राहुल जी ने उसको कांग्रेस को लाने में जो मेहनत करी है उस पर हम प्रणाम करते हैं। मैम, कांग्रेस को तो आपने एक लंबे अरसे तक देखा है, अब वहाँ ये बात है कि कमलनाथ जी को बनाएं या ज्योतिरादित्य जी को, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, युवा शक्ति या एक्सपीरियंस? देखिए, जो वो फैसला करेंगे, दोनों कांग्रेसमैन हैं ना, दोनों अच्छे हैं, दोनों MPs हैं, तो जिसको बनाएंगे बनाएंगे, हमें तो इसमें टिप्पणी करना कोई फ़ायदा नहीं है। एक आखिरी सवाल ये, क्या हम दोबारा शीला दीक्षित जी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखें? अभी वो वक्त नहीं है। थैंक यू मैम। श्रीमती शीला दीक्षित जी कह रही थी कि राहुल जी ने जो ये जीत हासिल की है कांग्रेस में, एक ऐसी जान फूंकी है जो अभी तक बहुत समय तक नहीं देखी जा रही थी, और इस जीत के बाद कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक ऐसा उत्साह बन गया है कि वो 2019 के लिए तैयार हो गए। न्यूज़मैन के लिए कपिल कुमार।